नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राईसिटी प्रॉपर्टी गुरु चैनल में। मैं प्रभ शरण सिंह वापस आऊँ एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू एक नए फ्लैट के साथ। और आज का जो हमारा फ्लैट है वो है ओमैक्स अम्ब्रोसिया। एंड गाइज, इसका जो टोटल कारपेट एरिया अगर हम बात करें 1646 स्क्वायर फीट है। और गाइज, ये 3 BHK विद 2 वॉशरूम्स है। सो गाइज, अगर आप वो जानना चाहते हो यूनिक इसमें ऐसा क्या मिल रहा है हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो गाइज आपको उसके लिए वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आपने कोई नया घर लेना है ट्राई सिटी में, कोई भी आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो गाइज उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। उसके लिए आपको नीचे दिए गए रेड बटन पर आपको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और गाइज, एक और चीज़ की आपको फ्लैट्स प्रॉपर्टी किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, गाइज आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको क्या प्लानिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको हर टाइप का असिस्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगी। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का एक खास प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं। सो गाइस, फ्लैट में चलने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी हमें आज जो मिल रही है वो इस प्रोजेक्ट में हमें यहाँ पे अंडर रूफ पार्किंग मिल रही है। गाइस, ये भी एक प्रॉपर पूरी बढ़िया स्पेस के साथ यहाँ पे हमें अपने कार्स बाइक्स के लिए अच्छी स्पेस मिल रही है। सो गाइज, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट में जो मिल रहा है हमें फ्लैट्स तक जाने के लिए दोनों साइड आपको स्टेयरकेस मिलेंगे, दोनों ड्यूल साइड, और सेंटर से ये सिंगल हो जाता है। और काफ़ी अच्छा वाइड स्पेस है, आपको कोई भी बड़ा सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गाइज, साथ में ही हमें यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविज़न भी मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फ्लैट रिव्यू की साइड। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए अपने फ्लोर पे और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टूर। सो गाइज, वेलकम। सो गाइज, हम लोग आ गए अभी प्रोजेक्ट के अंदर और ये है हमारा स्टार्टिंग में जो हमें मिल रहा है ड्राइंग एरिया कम डाइनिंग एरिया। काफ़ी स्पेशियस डिज़ाइन किया हुआ है, आप स्पेस वाइज इसको प्रॉपर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे। और गाइज, यहाँ पे हमें साथ में ही प्रॉपर फुल फ्लैश हमें यहाँ पे बालकनी का प्रोविज़न मिल रहा है और ये इसका एंट्री पॉइंट है। सो गाइज, ये जो बालकनी हमें मिल रही है प्रॉपर यहाँ पे हमारी ये सेकंड रूम के साथ कनेक्टेड में है, और यहाँ पे भी हमें प्रॉपर एक काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है गाइज। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे व्यू ऑलमोस्ट हमारा बहुत बेहतर था। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास डाइनिंग एरिया के साथ ड्राइंग एरिया के साथ जो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है बेडरूम नंबर 1। और ये है हमारा बेडरूम नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं गाइज, इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एक हर एंगल से हर साइड से इसे बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया है। यहाँ पे भी गाइज, जो अभी हमने बालकनी देखी थी हमारी लॉबी एरिया के साथ ड्राइंग एरिया के साथ, ये वही कनेक्टेड बालकनी है। यहाँ से भी पार्क फेसिंग व्यू आ रहा है कम्प्लीट सारा। सो गाइज, इसमें हमें यहाँ पे साथ में मिल रहा है कनेक्टिंग बाथरूम, आइए आप लोग देख सकते हैं। और ये बाथरूम हमारा जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है गाइज, इसकी स्पेस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और गाइज, यहाँ पे भी इसका जो एंट्री और एक कनेक्टिविटी हमारी सेकंड बेडरूम के साथ हमें यहाँ पे मिल रही है, आप देख सकते हैं। हम लोग एक बार दूसरी साइड से भी इसको, सो गाइस, ये था हमारा बेडरूम नंबर 1 और हम लोग अब चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। और हमारा ये जो बेडरूम नंबर 2 है गाइस, ये भी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल रही है। और गाइस, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है कि इसके साथ ये जो हमें बालकनी मिल रही है और प्लस उसका जो एंट्री पॉइंट है बालकनी में जाने का गाइस, काफ़ी ज़्यादा ओपन है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, कंप्लीट रूफ तक टच किया है। और गाइस, सो गाइस, ये हमारी बालकनी जो हमें यहाँ पे मिल रही है। सो गाइस, ये हमारी बालकनी का जो एरिया है काफ़ी वाइड है, और यहाँ पे हमारी ये बालकनी किचन के साथ भी कनेक्टेड है और यहाँ पे ये रूम के साथ भी कनेक्टेड है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ यहाँ पे।
सो गाइज हम लोग अभी जो थे हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, जो हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है गाइज उसमें आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोविजन मिलेगा स्टेयर्स के थ्रू। आप लोग नीचे देख सकते हैं जो इसकी गैलरी होगी बैकग्राउंड में, जो बालकनी है काफ़ी एरिया वाइज काफ़ी वाइड है, और साथ में ही जो नीचे आप लोग लोन देख रहे हैं गाइज वो लोन की कनेक्टिविटी उस कॉर्नर से वहाँ से आपको स्टेयर्स के थ्रू मिलेगी। सो गाइज ये स्टेयर्स के थ्रू आपको यहाँ पे उस लोन में जाने का एक्सेस होगा, और जो वो लोन नीचे डिज़ाइन किया गया है वो टोटली आपको अपर ग्राउंड फ्लोर के साथ अवेलेबल मिलेगा गाइज। सो गाइज मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक खास चीज़ मैं लेके आने वाला हूँ गाइज दिखाने के लिए। मेरे पास जो खास चीज़ वो ये थी कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर होगा गाइज उसमें आप लोगों को यहाँ पे ये गैलरी कंप्लीट पूरी मिलेगी, अवेलेबल होगा ये सारा कुछ उसी में इंक्लूडेड है। गाइज जो नीचे आप लोग लॉन देख रहे हैं वो लॉन बिल्कुल इसी फ्लैट के साथ आपको कनेक्टिविटी मिलेगा, उसके लिए आपको कॉर्नर में आप स्टेयर्स देख सकते हैं। सो गाइज ये जो लॉन है नीचे गाइज इसकी आपको यहाँ से इस स्टेयर्स के थ्रू एक्सेस मिलेगा, ये पूरा पूरा अपर ग्राउंड फ्लोर का एक्सेस होगा, और ये एरिया कंप्लीट नीचे जितना भी आप देख सकते हैं नीचे अंडर आपकी गैलरी रूफ के आपकी बालकनी के अंडर में भी और नीचे का एरिया सारा इंक्लूडेड होगा। सो गाइज यहाँ पे जो सबसे खास बात ये थी कि जो आपको ये एरिया मिल रहा है गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये एल्युमिनियम की पार्टीशन के साथ यहाँ पे एक रूम बनाया गया है प्रॉपर, आप इस एरिया को पैक करके एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हो, एज अ अपना स्टोर रूम यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे प्रॉपर अपना एक एक्स्ट्रा बाथरूम डिज़ाइन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, टोटली स्पेस आपकी होगी गाइज। सो गाइज ये था जो वो एक स्पेशल पॉइंट जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। ये आप मेरे को कमेंट सेशन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉइंट कैसा लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। मुझे तो ये प्रोजेक्ट में ये सबसे अच्छी चीज़ और बेस्ट चीज़ लगी, काफ़ी इम्प्रेसिव थी। तो गाइज चलिए हम अपना टूर कम्प्लीट कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम और इसके साथ सो गाइज ये था हमारा किचन, इसके साथ ही अब हम लोग चलते हैं हमारा बेडरूम नंबर 3 जिसको आप एज अ मास्टर बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। सो गाइज इस रूम का साइज काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी आप अगेन हमें यहाँ पे प्रॉपर अच्छा साइज मिल रहा है, और गाइज यहाँ पे हमें साथ में ही बाथरूम कनेक्टेड मिल रहा है। गाइज इस बाथरूम की कनेक्टिविटी सिर्फ इसी रूम के साथ होगी, इसमें दूसरे रूम की कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है। सो गाइज ये जो हमें यहाँ पे डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम की जो हमें स्पेस मिली थी वो कंबाइन थी जैसा हमने देखा था, और यहाँ पे हम लोग अपना गेस्ट रूम, ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे एल शेप में जो हमें यहाँ डिज़ाइन मिला हुआ है ये हमारा हम लोग एज अ डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज साथ में किचन है, किचन के साथ ही डाइनिंग एरिया प्लस हमारा जो यहाँ पे लिविंग एरिया है या हमारा गेस्ट रूम बनता है तो सॉरी ड्राइंग रूम बनता है, तो हमारा प्राइवेसी का भी थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाता है। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो टूर, और इसके अंदर आई होप आप लोगों को ये मेरा टूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और गाइज आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ईजिली एनी टाइम नीचे दिए गए नंबर पर एकदम फ्री होकर आप कॉल कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा। अगर आप कमेंट करके हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, और गाइज अगेन आप सब्सक्राइब बटन को दबाने मत भूलिएगा जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सो गाइज तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ एक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।